नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन का खास प्रोग्राम स्पेशल मुलाकात। आज स्पेशल मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक विनोद चमोली जी, जिनका कोई परिचय का कोई मोहताज नहीं है। देहरादून नगर निगम की बात की जाए तो मेयर की भूमिका निभा चुके हैं, शहर में बहुत सम्मानित एक सदस्य के रूप में कह सकते हैं विधानसभा के। बात करेंगे कोरोना पूरे काल में उनका कैसा योगदान रहा है, क्या लोगों की जो समस्याएं हैं उनको कैसे जाकर के हल करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बात की जाए कोरोना जैसी महामारी, पूरी वैश्विक महामारी है, और बात अगर उत्तराखंड प्रदेश की जाए तो लगातार मामले यहाँ भी बढ़ रहे हैं, शहर की हालत भी कई इलाके कंटेनमेंट जोन में चले गए हैं, बहुत ही दशा अगर देखा अभी लोगों को समझने की जरूरत है, एहतियात बरतने की जरूरत है, क्या आपका जो काम करने का तरीका भी कैसे कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये वैश्विक महामारी है और इसमें पूरे देश ने जिस तरह से काम किया है और जिस तरह से इसका सामना किया है वो निश्चित तौर पर पूरे विश्व के अंदर उसकी सराहना हो रही है, और ख़ासकर उत्तराखंड में हम लोगों ने बहुत बेहतर काम इसमें किया है। अभी तक सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। अभी थोड़ा मामले बढ़े हैं क्योंकि ये एक्सपेक्टेड भी था कि जब लोगों का मूवमेंट ज़्यादा होगा तो ये मामले बढ़ेंगे, लेकिन उसके बावजूद नियंत्रण में है। और आपने देखा होगा कि कोरोना संक्रमित लोग जितने भी हैं अधिकांश लोग ठीक होकर आ रहे हैं, तो कोई ऐसा भी नहीं कह सकते आप कि वो नियंत्रण से बाहर हो रहा है। तो काफ़ी हद तक हम लोग इसको कंट्रोल करने में कामयाब रहे हैं। इसमें जो दूसरा पक्ष है, एक तो संक्रमण का पक्ष है, जो लोग इससे संक्रमित हैं उनके देखभाल का पक्ष है, तो हम लोग ठीक कर ही रहे हैं। दूसरा पक्ष ये है कि कोरोना के कारण जो एक दिक्कत लोगों के सामने, फाइनेंशियल एक प्रॉब्लम आई या कहीं खाद्यान्न की समस्या आई है, और जो गरीब तबका है, जो मजदूर तबका है, जो रोज़मर्रा के काम के आधार पर जिसका रोजी रोटी चलती है, उनको काफ़ी दिक्कतें आने की संभावनाएं थी। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि पूरा समाज खड़ा हुआ, और कम से कम मैं देहरादून में कह सकता हूं और अपने विधानसभा में कह सकता हूं कि पूरे समाज ने खड़े होकर अपनी जिम्मेदारी निभाई और किसी को भी भूखा नहीं सोने दिया। और आज अगर मैं बात करूँ राशन की, तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके पास राशन की कमी है। हर घर को सरकार ने भी राशन पहुँचाया तो समाज ने भी राशन पहुँचाया, और हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत बढ़ चढ़ कर काम किया है। तो इस पूरे कोरोना काल में जो हम लोगों की भूमिका थी उसको बहुत बेहतरीन तरीके से मेरी सरकार ने भी निभाया है, मेरे कार्यकर्ताओं ने भी निभाया है। लोगों के लिए भी क्या संदेश होगा, जो प्रदेशवासी हैं, जो शहरवासी हैं, क्या एहतियात लोग बरतें हैं, क्या घरों से जो लोग अभी निकलते हुए दिखाई देते हैं, सैटरडे संडे का एक वक्त रखा गया, हफ्ते में दो दिन बंद रखने का, पूरे शहर को सैनिटाइज करने का काम नगर निगम और प्रशासन कर रहा है, उसके बारे में लोगों को क्या मैसेज है। देखिए, मेरा पहले तो ये कहना है कि डरे नहीं, और मैंने पहले दिन से ही जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो लोगों में बहुत पैनिक था, लेकिन मैंने अपनी गतिविधियां ऐसी रखी कि लोगों में पैनिक ना हो। मैं लोगों के बीच में गया, मुझे बहुत लोगों ने रोका भी, टोका भी, लेकिन इसके बावजूद मैंने इसको कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और मैं लगातार काम में लगा रहा। और उसका कारण है कि हमारा कार्यकर्ता भी काम में लगा रहा। तो मेरा यही कहना है सभी लोगों से कि इससे पैनिक ना हो, इससे बचाव करें, क्योंकि ये एक ऐसा संक्रमण है जो अभी चलेगा। जीवन बचना भी चाहिए तो जीवन चलना भी चाहिए, तो उसको लेकर आगे बढ़ें, एहतियात बरतें, जो जो समय समय पर सरकार के दिशा निर्देश आ रहे हैं उनका पालन करें, और उसके साथ साथ जीवन को भी आगे बढ़ाएं। और जैसे मैंने कहा कि कई बार क्या होता है कि आदमी संक्रमण से कम और भय से ज़्यादा परेशान हो रहा है, तो इतना मुश्किल भी नहीं है। हम लोग लगातार घूम रहे हैं और काम कर रहे हैं, तो अगर आप एहतियात के साथ में काम करते हैं तो ये, क्योंकि ये छूने का संक्रमण है, इससे बचा जा सकता है, तो लोग भी इसको ध्यान में रखें और अपने को बचाव रखते हुए अपना काम करें। मेरा सबसे आखिरी और बड़ा सवाल, एक राज्य की जनता के हित में एक फैसला त्रिवेंद्र की सरकार में हुआ था, जो गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था, कहीं ना कहीं राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल ने कल उसकी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया गया है लोगों की। लेकिन बात अगर की जाए राज्य आंदोलनकारी, उनका कहीं ना कहीं विरोध वो जता रहा है, उनका कहना है साफ कि इसको स्थायी राजधानी बनाना चाहिए था। देखिए, सबसे पहले तो मैं राज्यपाल महोदया का भी धन्यवाद करना चाहूँगा और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारी सरकार का, जिन्होंने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया, और बहुत लंबे समय से डेडलॉक था राजधानी को लेकर, गैरसैंण को लेकर, उसको समाप्त किया है और हम राजधानी बनाने को एक कदम आगे बढ़े हैं। जहाँ तक विरोध का प्रश्न है, मैं भी स्वयं में आंदोलनकारी हूँ और
प्रमुख भूमिका में हम लोग रहे, और मेरे साथ तमाम आंदोलनकारी भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं जो सब इस मुहिम को सराह रहे हैं। देखिए, इसमें दो प्रकार के स्ट्रीम हैं। आंदोलन के समय लोगों ने आंदोलन किया, लेकिन उसके बाद अपने विचारधारा के अनुरूप अपने अपने दलों में सिमट कर अपना काम करने लग गए। जो कांग्रेस के साथ लोग हैं, उनके साथ समस्या ये है कि वो गैरसैंण के नाम पर राजनीति तो की, इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा किया, हम उनको भूल नहीं सकते और उसको भुलाना भी नहीं चाहिए जो कुछ काम वहाँ पर हुआ है, लेकिन उसको राजधानी बनाने में उन्होंने कहीं ना कहीं परहेज रखा। वो डरते थे कि इसको हम अगर बना देंगे, चाहे वो ग्रीष्मकालीन ही हो, तो वो नफे नुकसान में फंसे रहे। हमने उससे बाहर निकलकर एक बड़ा स्टेप उठाया और हमने उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया। कांग्रेस सामने एक संकट खड़ा हुआ कि अगर हम इसको एक्सेप्ट करते हैं तो आगे हमारी राजनीति का क्या होगा। तो उन्होंने कहा, नहीं सर, हम जब अगर हम सत्ता में आए तो उसको हम पूर्ण राजधानी बनाएंगे। सत्ता में तो आप पहले भी रहे, उनको मालूम है कि अभी काफ़ी लंबे समय तक सत्ता में आने की संभावनाएं नहीं है, लेकिन इस विषय को लेकर उन्होंने इसको पूर्ण राजधानी बनाने की बात उन्होंने की राजनीतिक कारणों से। इसी प्रकार जो आंदोलनकारी लोग हैं, तो हम आंदोलनकारी जो हमारे साथी हैं उसमें एक स्ट्रीम UKD की स्ट्रीम है और बाकी और दलों के लोग हैं। तो सही मायने में जो गैरसैंण राजधानी का इशू था, वहाँ पर जो उद्घाटन हुआ था गैरसैंण में, वो UKD के द्वारा किया गया था आंदोलन के समय पर। ये उनका पार्टी का एजेंडा है। तो जो लोग आंदोलनकारियों में भी जो UKD के साथ के लोग हैं, जो UKD के साथ खड़े लोग हैं, वो ज़्यादा इस पर मुखर हैं, क्योंकि उनका ये राजनीतिक एजेंडा है। कोई इसके कारण कि निर्णय कोई गैरसैंण गलत हुआ है इसलिए तो नहीं बोलते वो, क्योंकि उनका राजनीतिक एजेंडा है, इसलिए उनको बोलना है, इसलिए वो बोलते हैं। इसलिए आपको छुटपुट ये जो विरोध के स्वर दिखाई पड़ते हैं, ये बहुत लिमिटेड है, आप देख रहे हैं। चमोली जी, अगर बात की जाए कि प्रदेशवासियों को स्थायी राजधानी कब तक मिल जाएगी, सबके दिलों में कहीं ना कहीं ये सवाल एक रहता है, देहरादून पहले से ही स्थायी राजधानी है, गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाएगा, तो स्थायी राजधानी की अगर बात की जाए तो स्थायी राजधानी देहरादून उत्तराखंड को मिलेगी कब? देखिए, मैंने और लोगों ने भले गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात कही हो, लेकिन मैंने दूसरे ढंग से कहा। मैंने ये विधानसभा में मेरा वक्तव्य है कि मैंने कहा गैरसैंण को राजधानी बनाने की ओर एक कदम आगे बढ़े, मैं इसको अंतिम निर्णय नहीं मान रहा हूँ आज भी जी। हो सकता है कालांतर में ऐसी परिस्थितियाँ बने और गैरसैंण इतना डेवलप हो पाए, जो हमको करना है आगे चल के, कि कल हम उसको अस्थायी राजधानी बनाने को भी विचार कर सकते हैं, लेकिन आज की परिस्थिति नहीं थी। आज जो हो सकता था वो किया गया, कालांतर में कुछ भी संभव हो सकता है, इसलिए संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और मैंने बाकायदा विधानसभा में कहा कि वो समय भी आ सकता है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और गैरसैंण को अस्थायी राजधानी बनाएगी, हो सकता है भाई, मना तो नहीं किया जा सकता ना, और किसी ने मना तो नहीं किया, कोई देहरादून का स्थायी राजधानी तो बोला नहीं किसी ने। तो जब तक देहरादून स्थायी राजधानी घोषित नहीं हो रही है, तब तक गैरसैंण कभी भी स्थायी राजधानी बनने की संभावनाएं जीवित हैं। तो उन संभावनाओं को जीवित रखिए ना, क्यों उसमें आशंका रखते हैं। पहले गैरसैंण को विकसित होने दीजिए, उसके बाद देखेंगे आवश्यकता पड़ेगी। धीरे धीरे लोगों ने देखो, गैरसैंण में कुछ नहीं था, गैरसैंण में टेंट में कैबिनेट हुई भगोड़ा सरकार ने की, उसके बाद वहाँ बिल्डिंग बनी, आज वह इंफ्रास्ट्रक्चर जो थोड़ा बहुत हम विधानसभा वगैरह करते हैं वो खड़ा हुआ, तो आज वो ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गई। वो संभावना उस समय बनी, आज उस पर निर्णय हो गया। कल हो सकता है गैरसैंण हम इतना विकसित कर डालें कि कल हम उसको अस्थायी राजधानी बनाने में भी हमको दिक्कत ना हो, वहाँ से हम संचालन कर सकें, तो वो भी हो सकता है। तो लोग इसको समझें कि ये कोई नकार नहीं रहे हैं, संभावनाएं जीवित रखें, कुछ भी किया जा सकता है और आगे बढ़ते रहें। हमारे साथ अभी बात करने के लिए मौजूद थे विनोद चमोली, जो साफ बता रहे थे गैरसैंण के लिए अभी बहुत ऑप्शन है, इसको अंतिम फैसला लोग ना समझे, सरकार हर संभव जो लोगों के सपने हैं उनको साकार करने के लिए लगी हुई है। उन्होंने साफ ये भी बताया, कोरोना से बिल्कुल डरने की ज़्यादा ज़रूरत है, लोगों में घरों में रहें, एहतियात बरतें, फिजूल में घरों से बाहर ना निकलें। देहरादून से जय ओबराय के साथ आदिल पाशा, नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करें www.nationone.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।